डीयू के रामजस कॉलेज में एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच चल रहा विवाद बढ़ते जा रहा है। रामजस कॉलेज का विवाद उस वक्त बढ़ गया था जब एबीवीपी के विरोध में डीयू की छात्रा और शहीद कैप्टन मनदीप सिंह गुरमेहर कौर ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया था। गुरमेहर कौर के कैंपेन पर खूब विवाद हुआ और अब इस पर एक शहीद सैनिक के भाई अस्तित्व सिंह ने जवाब दिया है। अपने विचार व्यक्त करते हुए अस्तित्व सिंह ने लिखा है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अचानक मुख्यधारा की मीडिया एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के झगड़े में शहीदों को संबंधियों की राय दिखा रहा है। अस्तित्व लिखते हैं, इस मसले पर मुझे कुछ कहना है जो वो सुनना नहीं चाहते। मैं ये जरूर कहूँगा कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वही अभिव्यक्ति जिसके लिए मीडिया लड़ रहा है, वही अभिव्यक्ति जिसे सुरक्षा बलों ने जिहादी और नक्सलियों के हाथों खत्म होने से बचाया है। अपने भाई के बारे में अस्तित्व ने लिखा है, जिस ऑपरेशन में मेरे भाई धीरज शहीद हुए, उस ऑपरेशन के अगले दिन से उन्हें छुट्टी पर जाना था। धीरज के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन में जाने से भी मना किया था, लेकिन फिर भी धीरज ऑपरेशन में शामिल हुए। उनका कहना था कि खाली बैठकर क्या करूंगा, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे शहीद का संबंधी होने के नाते कोई फायदा मिले। मेरा भाई देश के लिए लड़ा और जान दे दी, मैं उसकी शहादत का श्रेय लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मेरे भैया भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी कहने वालों को कभी समर्थन नहीं करते। उन्होंने उसी जंग के खिलाफ लड़ते हुए ही अपनी जान दे दी। उन्हें उन्हीं लोगों ने मारा जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं ऐसे नारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानता। मैं किसी बौद्धिक वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कहने की इजाज़त नहीं देता है। मेरा उस लड़की से कोई झगड़ा नहीं है, वो किसका पक्ष लेना चाहती है वो चुन सकती है, लेकिन मेरी समस्या मीडिया से है जो पक्षपातपूर्ण तरीके से ऐसी गलत धारणाएं बनाता है। अस्तित्व पेशे से डॉक्टर हैं और वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की वकालत भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देश के प्रति अपने दायित्व को नज़रअंदाज करके आज़ादी की बात करना बेईमानी है। उम्मीद है कि लेफ्ट संगठनों ने जितनी तवज्जो गुरमेहर की बात को दी उतना ही अस्तित्व की बातों को भी देंगे। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।